हमारा नबी तमाम जहानों की रहमत है, ठीक है, याद रखिएगा, ये गौर समझें, किसी एक जहान के लिए नहीं, तमाम जहानों की रहमत मेरा नबी है। और ये सिर्फ ये सात आसमान नहीं, आगे भी गए हैं मेरे नबी, ठीक है, ठीक, बस ये समझ जाएं आप। ओके ओके सर, थैंक यू। ये बहुत बड़ी निशानी थी मेराज की हदीस में कि एक जहान में एक नबी, ठीक है, या दो जहानों में, समझ ले हमारे में भी और उस आसमान में भी, दो दो जहानों में एक नबी, और मेरा नबी तमाम जहानों में, ठीक है जी जी जी। अभी हाथ खत्म हो गए हैं, नो मोर क्वेश्चंस, सो लेट्स जस्ट डू दिस। एक हैंड रेज हुआ है, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जुनैद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मेरा क्वेश्चन अगर आपको सही लगे तो बेशक जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कि मेरे ऑफिस में ना जो आप बात करते हैं उन बाबाओं में से एक बाबा है और उनकी ऐसे नहीं होगा, अजीब बातें करते हैं सर, अजीब बातें करते हैं और मैं जस्ट बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि ना ही सुनूं, और आज मैं अकेला फंस गया उनकी बातों में, अकेला बैठा हुआ था वहां पे, और उन्होंने कहा जुनैद मेरी बात सुनो, तो उन्होंने कहा कि लोग ना अजीब हो गए हैं कि मतलब अगर मैंने फलां फलां को काम पे लगाया तो फलां का ये काम किया तो मेरी इज्जत नहीं करते ना वो, तो मेरे उन्होंने कहा कि उनको चाहिए मेरी इज्जत करे ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इनसे पूछूं इज्जत कैसे करते हैं, तो उन्होंने सर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अजीब हो रहा है बस, तो उन्होंने कहा कि वो ना मेरी इज्जत नहीं करते और जिन बच्चों ने मेरी इज्जत की हुई है ना वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, मतलब वो बादब और बानसीब, बेअदब और बेनसीब इस बात पे अड़े हुए हैं। बेअदब बेनसीब के ऊपर नहीं मुझे इतराज, मुझे इतराज है अदब में खड़ा क्यों करवा रहे हो, या सवाल क्यों पूछना बंद करवा रहे हो, लोगों को सवाल करते हैं बच्चे तो कहते हैं बेअदब है, ठीक है, अदब जरूरी है इस्लाम में, इस्लाम की खूबसूरती अदब, ठीक है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, सही बात है ये, ठीक है, मगर ये मत सोचें कि अदब के कोई नए तरीके निकालेंगे हम, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी इज्जत की और वो कहां के कहां पहुंच गए और जिन्होंने मेरी इज्जत की, ये मुझे